अगर आपका मीठा खाने का मन है तो इस नारियल के लड्डू की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ 5 मिनट में बहुत ही कम सामान से बनकर तैयार हो जाती है और इसे बनाने के लिए हमें गैस जलाकर पकाने का भी झंझट नहीं करना है। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो नारियल के लड्डू बनाने के लिए हमें नारियल का बूरा चाहिए होता है, तो इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल में शेयर कर चुकी हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। नारियल का बूरा मार्केट से लेते समय ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि उसका कलर पीला ना हो और उसमें से कोई स्मेल ना आ रही हो, क्योंकि ज़रा भी पुराना होता है तो उसमें से स्मेल आती है। साथ में 3/4 कप मैंने पिसी हुई चीनी और 1/2 कप घर की फ्रेश मलाई ली है। बस इतने से इन्ग्रीडियंट हमको चाहिए इसे बनाने के लिए। साथ में कुछ ग्रीन पिस्ता लिए हैं और 3 से 4 हरी इलायची का पाउडर लिया है। तो अब सबसे पहले इन सारी चीज़ों को हमको मिक्स करना है और नारियल के लड्डू बांधना है। तो बहुत ही आसान है, इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बोल लिया और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले नारियल का बूरा, साथ में 3/4 कप पिसी हुई चीनी। इतनी मात्रा बहुत परफेक्ट है, अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हरी इलायची का पाउडर इसमें मिक्स किया। अब सारी चीज़ों को पहले बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके मलाई मिलाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 2 चम्मच मलाई मिलाऊंगी। एकदम से सारी मलाई मत मिला दीजिएगा, क्योंकि अगर मिक्सर गीला हो गया तो आपको बूरा और मिलाना पड़ेगा और चीनी भी और मिलानी पड़ेगी। तो पहले थोड़ा मलाई मिलाइएगा, उसको पहले मिक्स करिएगा, और अगर डो की तरह ये बंधने लग जाए इसका मतलब हमें और मलाई मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तब भी बहुत भुरभुरा सा बन रहा है, लड्डू बंध नहीं रहे हैं, तो हमें और मलाई मिलानी पड़ेगी। तो ये देखिए, पहले 2 चम्मच मैंने मलाई मिक्स करी है, लेकिन बहुत भुरभुरा सा है अभी मिक्सर, बंध नहीं रहे लड्डू, इसलिए इसमें मैंने 1 चम्मच और मलाई ऐड की और उसके बाद इसको भी हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, इसको भी मैंने मिक्स किया और इसको मिक्स करने के बाद देखिए काफ़ी गीला सा डो जैसा हो रहा है हमारा मिक्सचर, और इसको जब मैं बांध रही हूँ तो ये देखिए बहुत परफेक्ट तरीके से ये बंध रहा है। इसका मतलब 3 चम्मच हमारी मलाई इसमें लगी है और साथ ही साथ में नारियल का बूरा मैंने एक प्लेट में और ले लिया है इसको ऊपर से लपेटने के लिए लड्डुओं को। साथ में हरे पिस्ता भी लिए हैं और बस नॉर्मल तरीके से जैसे लड्डू बांधते हैं वैसे हम बांध लेंगे। और इन्हें बांधना तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल बहुत एक ही हाथ से ये बंध जाते हैं, दोनों हाथों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इसको बांधने में। और आप यहाँ पर मलाई की जगह पे मिल्क मेड करना चाहते हैं यूज़, तो उसे भी कर सकते हैं और अच्छा टेस्ट देने के लिए। वैसे इस मलाई से भी बहुत परफेक्ट टेस्ट आता है इन लड्डुओं में। और इस तरीके से मैंने इसको नारियल बूरा से और कवर किया और ये हमारा बहुत बढ़िया से लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। ऊपर से मैंने एक ग्रीन पिस्ता लगा दी, आप इसे लगाएं चाहे ना लगाएं ये ऑप्शनल है, बस लुक वाइज ये अच्छा दिखने लगता है। और इसमें आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं अगर चाह रहे हैं तो। वैसे नारियल के लड्डू में ड्राई फ्रूट ना भी ऐड करें तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इन लड्डुओं का। तो इस तरीके से बस धीरे धीरे करके सारे लड्डू मैंने बांध लिए हैं और 1 कप नारियल के बूरे से लगभग 13 से 14 लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो कभी मीठा खाने का मन है, फटाफट से कुछ बनाना है, या अचानक से कोई गेस्ट आने वाले हैं तो इन्हें बनाइए, बहुत ही परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे लड्डू बांध लिए हैं, बहुत ही आसान है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की बहुत आसान सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिए। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।